हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का स्वागत है वाई फाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, और सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। और कैसे हो सब लोग आप? क्वेश्चन उशन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? तो चलिए मित्रों, आज शुरुआत करते हैं अपनी अच्छी क्लास की। तो एक बार आप दबा के शेयर कर दिया करो यार, शेयर नहीं करते हो आप लोग ये क्लास, है ना। फिर मैं सोचूंगा कि ऐसे जब आप व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर मैं ये क्लास लेने से मेरा कोई सेंस नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा इस क्लास को लेने का। तो सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से कराई जाएगी, तो लेकिन आप शेयर करो। जैसे ज्योग्राफी खत्म होगी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारी चीज़ें चलेंगी, और जीके जीएस में रामबाण है, चाहे कैसा भी एग्जाम दो, अच्छा आपका सारा अच्छा हो जाएगा। चलते हैं अपन। जैसा कि आपको पता है, क्लास आपकी ये सारी चीज़ें रहेंगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, और इन चीज़ों के लिए आपकी चाहे एग्जाम दो, आराम से बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी इस एग्जाम की। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन आपका है मित्रों, क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेम पूर्वक इसको पढ़ने का प्रयास करें और आंसर देने का प्रयास करें। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वो कौन सी है? द माउंटेन रेंज इन विच द कुल्लू वैली, तो धौलाधार, पीर पंजाल, रणज्योति, नाग टिब्बा, लद्दाख, पीर पंजाल, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो आंसर देना है आपको, क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है बताने का आप प्रयास करें। सही आंसर देना कहाँ हो सकता है, बता सकते हैं क्या? तो मित्रों, इसका पहला जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो धौलाधार होगा। धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में है। धौलाधार और पीर पंजाल हिमालय की श्रेणियां हैं, इनके बीच में घाटियां पाई जाती हैं। तो आपको हिमालय की जो श्रेणियां हैं मित्रों, वो हिमालय की श्रेणियां आपको याद रखनी है, जो हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां हैं, हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनको आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी हिमालय की श्रेणियां हैं। तो देखो, जब मैं आपको बताऊं, एक आपके ट्रांस हिमालय है, देन उसके बाद में ग्रेट हिमालय, यानी कि आपका महान हिमालय है, यह आपका ट्रांस हिमालय है, यह आपका ग्रेट हिमालय है। इनकी श्रेणियां देखनी है, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, देन उसके बाद में आपका लघु हिमालय है, और देन उसके बाद में आपकी शिवालिक श्रेणियां हैं। शिवालिक श्रेणियां हैं, यह आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय जो है इसके कौन कौन से पार्ट हैं ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, इस ट्रांस हिमालय का जो जो पार्ट है, कराकोरम है, ये ट्रांस का पार्ट है, लद्दाख श्रेणी है, ये भी इसका पार्ट है, जास्कर श्रेणी है, ये भी इसी का पार्ट है। तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस के पार्ट हैं। महान जो हिमालय है इसका कोई पार्ट नहीं है। जो लघु हिमालय है याद रखना, धौलाधार है, धौलाधार है, ये इसी का पार्ट है। पीर पंजाल है, पीर पंजाल है, ये इसी का पार्ट है। और जो शिवालिक श्रेणी है इसको भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, नागालैंड हुआ, समझ में है ना, हिमाचल प्रदेश हुआ, तो इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो सही आंसर जो इसका है, अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन था आपके, जो घाटियां हैं आपके, जो घाटियां हैं वो आपके महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित हैं। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में हैं, बहुत सारी घाटियां हैं, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, मनाली घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन आपके धौलाधार और पीर पंजाल जो श्रेणी है इसके बीच में जो घाटी है वो आपके कुल्लू घाटी है, और कुल्लू घाटी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जो कुल्लू घाटी है ये आपके कहाँ पे स्थित है मित्रों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेरे बच्चों, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, सामने लिखा हुआ है, ये कूट को आपको मैच करना है, एक तरफ घाटियां हैं, एक तरफ स्टेट है, मरखा घाटी है, विशाल स्विच, मरखा घाटी है, जूकू घाटी है, सांगला घाटी है, यूथांग घाटी है, इसको आपको सुमेलित करना है, कौन सी घाटी कहाँ पे है?
तो मित्रों आपको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन बात करें मरखा घाटी की, मरखा वैली, मरखा घाटी। तो मरखा जो घाटी है मित्रों, ये आपके लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, लद्दाख की प्रसिद्ध है। और लद्दाख आपको पता ही है ये यूटी हो गया है, ये ध्यान रखना है आपको। जूकू, अगर मैं घाटी की बात करूं, जूकू वैली या जूकू घाटी की अगर बात करें, तो जूकू घाटी जो आपके हैं मित्रों, ये नागालैंड की है, नागालैंड में है, याद रखना है। जूकू वैली आपके नागालैंड की है, ये आपको याद रखना है मित्रों। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां पे है, तो नागालैंड में है ये। अगली अगर मैं बात करूं सांगला वैली की, सांगला जो घाटी है आपकी, ये किन्नौर में है आपके, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, यह आपको याद रखना है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो सांगला घाटी है, इसके चारों ओर एक रिवर बहती है और उस रिवर का नाम है बसपा नदी। बसपा रिवर है जो इसके चारों ओर बहती है, ये भी आपको याद रखना है। देन उसके बाद में अगर मैं याद बात करूं यूथांग घाटी की, यूथांग घाटी की अगर मैं चर्चा करूं, तो यूथांग जो घाटी है मित्रों, ये आपके गंगटोक में है, गंगटोक यह आपके सिक्किम में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिक्किम की राजधानी जो आपके गंगटोक है उसमें ये घाटी स्थित है, ये आपको याद रखना है। और जो ये यूथांग घाटी है, ये आपके भारत का हॉट स्प्रिंग के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हॉट स्प्रिंग के लिए ये घाटी भारत में क्या है, फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉट स्प्रिंग के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो यूथांग घाटी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन जो है, अब इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। सुमेलित करते हुए, तो ये मैंने बताया आपको, अब सुमेलित कर लो कौन सी घाटी कहाँ पे है। तो मरगा घाटी आपके जो है लद्दाख, लद्दाख का मतलब जे एंड के, तो ये लद्दाख में है, लद्दाख में है, जे एंड के में नहीं है, ये लद्दाख में है, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में अगर बात करें जूकू वैली की, तो मैंने बता दिया नागालैंड में है, आप सुमेलित कर लो। सांगला जो घाटी है, ये आपको पता होना चाहिए, सांगला वैली आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश में है, ये बता दी, और ये आपके सिक्किम में है, तो आंसर आपका करेक्ट हो गया होगा। आंसर देख लो इसमें कौन सा सुमेलित हो रहा है, आप चेक कर लो इसको, जो करेक्ट आंसर आ रहा है आप सुमेलित कर लो। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट मैच। अब ये कुछ आपके दर्रे हैं जिनको गैप्स बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के, सिक्किम के, हिमाचल प्रदेश के और केरल के, कुछ दर्रे लिखे हुए हैं, बोमडिल्ला, नाथुला, भोरघाट, पालघाट, कुछ दर्रे हैं, इन दर्रों को आपको देखना है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, ये आपको देखना है कौन से दर्रे कहाँ पे हैं। तो मैं पहले इनके बारे में बता देता हूँ, ये जो दर्रे कहाँ कहाँ पे हैं, ये दर्रे देखने हैं, फिर उसके बाद में अपन बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो बोमडिला दर्रा है आपका, जो बोमडिला दर्रा है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना, बिल्कुल करेक्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा। ये आपके, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद करना है, तो ये आपके कैमेंग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश के कैमेंग डिस्ट्रिक्ट में। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम के और तिब्बत के बीच में है, बिल्कुल करेक्ट है। और देन उसके बाद में करें आपका अगला दर्रा, तो जो आपका पालघाट दर्रा है वो केरल में है, बिल्कुल सही है। भोरघाट अगर दर्रे की बात करूं, तो भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, भोरघाट दर्रा जो मित्रों आपका है ये आपके महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखने के लिए क्या करना है दोस्तों, इसमें जो गैप्स हैं, जो दर्रे हैं इनको देखो, जो आपके दर्रे हैं, दर्रों को गैप्स बोला जाता है अंग्रेजी में, तो आपके जो दर्रे हैं ये दर्रे कौन कौन से कहां पे हैं, ये आपको देखना है। तो दक्षिणी भारत के दर्रे, दक्षिणी भारत के दर्रे, अब जैसे अभी ये क्वेश्चन आया, अगर आपको दक्षिणी भारत के दर्रे याद हैं तो आप कर सकते हैं गोरा थाली में, भोजन परोस, ये कोड है इसका, भोजन
पैरोसे। गोरा थाली में भोजन परोस, तो दक्षिणी भारत में गोराम घाट दर्रा जो अरावली में है, ये मध्य भारत का है, याद रखना। थाल घाट है, थाल घाट है, भोर घाट है, बोर घाट है, ये दक्षिणी भारत के दर्रे हैं। और आपके पाल घाट है, और आपके सैन कोटा है, सैन कोटा है, ये सारे दर्रे दक्षिणी भारत में हैं। यदि ये नाम भी आपको याद हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं होगा। क्यों? आपको पता होना चाहिए ये सारे दर्रे दक्षिणी भारत के हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सुमिलित नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है, और इसमें दिया हुआ है भोरघाट, भोरघाट हिमाचल प्रदेश। तो अगर आपको वो ये कोड याद है कि गोरा थाली में भोजन परोस, तो मित्रों आपको पता है भोरघाट भारत के दक्षिण में है। और ऐसा सवाल अगर आता है तो ऐसा सवाल आपका करेक्ट हो जाएगा, देखते ही आप सही आंसर कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं तो वो इसी प्रकार से सही होंगे आपके, अदरवाइज आपके सवाल सही नहीं होंगे। देन उसके बाद में अगर मैं आगे की चर्चा करूं आपके सामने, जैसे जे एंड के दर्रे, जम्मू और कश्मीर का मतलब, यानी कि जम्मू और कश्मीर की बात करूं तो आपके जो लद्दाख वाला जो पार्ट है, जो लद्दाख वाला पार्ट है, इसमें कौन कौन से दर्रे हैं, जो का पानी पी बाबू, जो का पानी पी बाबू, जोजिला, जोसे बना जोजिला, कराकोरम, पीर पंजाल, ये आपको याद रखना, इससे कुछ नहीं है, पासे पीर पंजाल या पीछे भी पीर पंजाल कर सकते हो, आप पीछे भी पीर पंजाल कर सकते हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बासे या बूसे बना बुर्जिला दर्रा, तो ये आपको याद रखना है, जो का पानी पी बाबू, ये आपको ध्यान रखना है, ये जे एंड के दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के अगर दर्रों की बात करूं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे रात को छिपकली बड़ी दिखती है, रात को छिपकली बड़ी दिखती है। रोहितांग दर्रा, अब ये कहां कहां पे है ये मैं सारे आपको बता दूंगा। शिपकिला दर्रा, बड़ा लापचा दर्रा, ये सारे हिमाचल प्रदेश में है, रात को छिपकली बड़ी दिखती है। देन उसके बाद में बात करें उत्तराखंड के दर्रे, तो उत्तराखंड के दर्रों की एक चीज याद रखना, उत्तराखंड के दर्रे हैं हेमा, मालेनी थारी है, हेमा मालिनी थारी है, ये आपको याद रखना है। माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा, नीति दर्रा और थांगला दर्रा, ये आपको याद रखना है, ये आपके उत्तराखंड में है। सिक्किम के अगर दर्रों की बात करूं मैं, सिक्किम में याद रखना नाथू की जलेबी, नाथूला दर्रा और जलेपला दर्रा, ये आपके सिक्किम में है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ दर्रे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, थोड़ा सा याद रखोगे तो आप ये सही हो जाएंगे, अदरवाइज सवाल आपका कैसा होगा वो फिर आपकी किस्मत है। अगला जो क्वेश्चन है मित्रों, इनकी डिटेल स्टडी भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये देखो क्वेश्चन अगला है, भारत में दक्कन के पठार पर, यानी कि बेसाल्ट फॉर्म्ड जो लावा रॉक्स हैं, ये भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेल का निर्माण कब हुआ, समझ में है ना।
तो बेसाल्ट फॉर्म्ड लावा रॉक्स हैव फॉर्मड ऑन द, अब ये भारत की बात कर रहा है, कब बना है, तो क्रिटेशियस युग में बना है, या आपके देखो क्वेश्चन है, बेसाल्ट फॉर्म लावा रॉक्स हैव फॉर्म ऑन द डक्कन प्लेटू इन इंडिया, तो ये कब बना हुआ है, इसकी अगर मैं चर्चा करूं तो याद रखना मित्रों, मेसोजोइक एरा में, मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में पहली बार ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, पहली बार ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, ये भी याद रख लेना, ज्वालामुखी की क्रिया पहली बार कौन से युग में हुई है, क्रिटेशियस युग में, यानी कि मेसोजोइक एरा में, तो यहाँ पे क्रिटेशियस युग लिखा हुआ है तो क्रिटेशियस युग मिल गया, और अगर यहाँ पे क्रिटेशियस युग नहीं होता तो जैसे आपको सेनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, नियोजोइक एरा, एजोइक एरा, तो आपका आंसर आएगा मेसोजोइक एरा, और इस ज्वालामुखी के लावा से इस प्लेटू का निर्माण हुआ है, दक्कन प्लेटू का निर्माण हुआ है, और लावा से मित्रों आपके बेसाल्ट चट्टान बनती है, ये भी आपको याद रखना है, बेसाल्ट रॉक का निर्माण होता है, और बेसाल्ट रॉक से ब्लैक सोइल का निर्माण होता है, यानी कि काली मृदा का निर्माण होता है, ये भी आपको याद रखना है, जो ब्लैक सोइल है उसका निर्माण आपके लावा से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इस प्रकार से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्लियर है ये। नेक्स्ट जो आपका सवाल है मित्रों, अगला जो आपका क्वेश्चन है, दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा प्लेटू स्थित है, विच प्लेटू इज सिचुएटेड बिटवीन द अरावली एंड विंध्यन रेंज, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, दक्कन का फटार और प्रायद्वीप का फटार। तो सबसे पहले आपको इस सवाल का आंसर देने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका मालवा प्लेटू है वो किसके मध्य स्थित है, कहाँ स्थित है, तो सबसे इसका करेक्ट आंसर तो मालवा प्लेटू है, लेकिन मालवा प्लेटू की अगर मैं बात करूँ मित्रों, तो जो मालवा फटार है मित्रों, ये जो आपका मालवा फटार है, मैं बता दूँ कहाँ पे है, ये लगभग 550 किलोमीटर ये लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है, और यदि इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 400 किलोमीटर ये चौड़ाई में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है, और इसके उत्तरी भाग में अरावली पर्वतमाला, जबकि दक्षिण में जैसे ये आपका मालवा प्लेटू है, ये मालवा प्लेटू है, इसके नॉर्थ में ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली है, इसके साउथ में ये विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल पर्वतमाला है, और इसके पूर्वी भाग में यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेटू है, बुंदेलखंड का फटार है, ये आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि, और ये आपका मालवा प्लेटू है, ये आपको याद रखना है, तो मालवा प्लेटू की उत्तरी सीमा अरावली, इसकी दक्षिणी सीमा विंध्याचल, और इसकी पूर्वी सीमा बुंदेलखंड प्लेटू के द्वारा निर्मित है, ये आपको याद रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मालवा प्लेटू, क्लियर होगा ये। तो मित्रों ये थे आज आपके क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में अपन अगली क्लास में प्रस्तुत होंगे आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डिटेल स्टडी भी करेंगे, लेकिन क्लास को दबा के लाइक किया करें, दबा के शेयर किया करें, आपका सहयोग ही हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग है, ठीक है ना, क्लास को जितना शेयर करोगे उतना ही मजा आएगा, ठीक है, आपका दिन शुभ रहे, विश यू ऑल द बेस्ट।